फ्रेंड्स, अगर आप गूगल शीट पे कोई काम रिपीटेडली करते हैं, जैसे कि कोई डेटा एंट्री वर्क जहां पर एक पार्टिकुलर फॉर्मेट को आप बार बार यूज करते हैं, तो उस केस पे मैक्रो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग गूगल शीट पे मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम लोग एक्सटेंशंस पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मैक्रोज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे एक पॉपअप आ गया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर किसी भी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है, ठीक उसी प्रकार से मैक्रो इस शीट पे आप जो भी काम करेंगे इसको रिकॉर्ड कर लेगा। ओके, तो फिलहाल देखिए जो रिकॉर्डिंग है ये चालू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज मेरे पास एक शॉप है जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे डेटा एंट्री वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन 5 सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर फॉर्मेट पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए मार्च सेल का ऑप्शन से मार्च ऑल कर दूंगा। यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ ऑफिस नोटबुक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और इसके बाद मैं इनको सेंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स डालूंगा जैसे कि सीरियल नंबर, नेक्स्ट हेडिंग मैं डालूंगा आइटम्स का, फिर मैं डालूंगा उनका प्राइस, फिर क्वांटिटी और उसके बाद मैं डालूंगा अमाउंट। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूं 1 2, इस तरीके से यहां पर मैं 5 ले रहा हूं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ आइटम्स डाल देता हूँ जैसे कि पेन, पेंसिल, मार्कर, चॉक, इरेजर। ओके, अब यहाँ पर अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो अमाउंट आ जाएगा। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, अब यहां पर मुझको टोटल लेना है, तो इसके लिए मैं इन 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, फॉर्मेट ऑप्शन पे चला जाऊंगा और मार्च सेल ऑप्शन से मार्च ऑल कर दूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा टोटल। ओके, और इस कॉलम को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, और इसको मैं मिडिल पे कर देता हूं। अब यहां पर मैं टोटल क्वांटिटी लूंगा, तो इसके लिए मैं यहां पर सम कर दूंगा। ओके, और यहां पर टोटल अमाउंट ले लूंगा, तो यहां पर भी मैं सम कर दूंगा। ओके, तो यहां पर आप देख पाएंगे जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओके, तो इस फॉर्मेट को मैं चाह रहा हूं बार बार यूज करना, तो यहां पर देखिए मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेव न्यू मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर मैं टाइप कर लूंगा shop1। ओके, कोई भी आप यहां पर नेम डाल सकते हैं। यहां पर शॉर्टकट का ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शनल, तो यहां पर कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और यहां पर मैं देखिए सपोज मैं मैक्रो फॉर एम ले रहा हूं। ओके, और यहां पर सेव कर दूंगा, बट यहां पर बोल रहा है मस्ट बी ए नंबर 0 2 9। ओके, तो यहां पर मैं एक नंबर डाल दूंगा 1 ले रहा हूं और सेव कर लूंगा। तो यहां पर देखिए ये सेव हो चुका है। ओके, अब दोस्तों यहां पर मैं उस पार्टिकुलर फॉर्मेट को फिर से लाना चाह रहा हूं, तो इसके लिए देखिए मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड 1 प्रेस कर दूंगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये फॉर्मेट आ गया है। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप न्यू फाइल पे भी ये फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मैक्रो है यहाँ पर काम करता है। अगर आप मैक्रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप एक्सटेंशंस पे चले जाइए, मैक्रोज, और यहाँ पर मैनेज मैक्रोज पे चले जाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट्स दिख रहा है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैक्रोज काम करता है गूगल शीट पे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।